नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज के नया वीडियो हम नया तरीके से प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों 16 अक्टूबर से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया और फर्स्ट मैच का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेकेंड मैच के बारे में, जो की खेला जाएगा UAE वर्सेस नेदरलैंड के बीच में 1:30 बजे मैच खेला जाएगा। और मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर आपको इस वर्ल्ड कप में ढेर सारा पैसा कमाना है तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना सारा मैचेस रहेगा आप हमारा प्रेडिक्शन का फॉलो कर लेना। आपका बजट कितना भी हो आप 10 गुना प्रॉफिट कमा कर ही जाओगे, ठीक है। अगर आपका बजट अभी 10,000 है तो वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद 1,00,000 आपका वॉलेट बैलेंस हो जाएगा। अभी अगर आपका 1,00,000 का वॉलेट बैलेंस है तो वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद 8 से लेकर 10 लाख का वॉलेट बैलेंस, मतलब लगभग 10 गुना प्रॉफिट आपको हम दिलवाएंगे। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं क्योंकि ऐसा काम हम इससे पहले भी कर चुके हैं। तो अगर आपको ऐसा ही प्रॉफिट कमाना है तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट वॉच कर लो। इससे आपको हर एक प्लेयर्स के बारे में पता चलेगा कि आज का फैंटासी टीम में कौन सा प्लेयर होना चाहिए, किस प्लेयर को हम पिक करें, किसको ड्रॉप करें, कौन सा खिलाड़ी है जिसको हम कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, किस बैट्समैन को कौन सा बॉलर आउट कर सकते हैं, और भी कई सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा जिनके में सब खुद एक बेस्ट टीम बनाकर ढेर सारा पैसा जीत सकते हो। बट उससे पहले एक छोटा सा काम कर लेना, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो बहुत पीछे हो, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। बट कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद चला जाना इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर लिंक काम नहीं कर रहे तो आपको क्या करना है, अपना टेलीग्राम ओपन करना, जाके सर्च करना @smartrealteam। जैसे ही आप @smartrealteam लिख के सर्च करोगे हमारा स्मार्ट रियल टीम का टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, जहां पर ऑलरेडी 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर ज्वाइन है। बस यही चैनल आपको ज्वाइन करना है, इनके अलावा दूसरा कोई भी फेक चैनल आपको ज्वाइन नहीं करना। उम्मीद करता हूँ आप सबने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया। चलो बढ़िया, अब हम वेन्यू स्टेट पे नजर डालते हैं और इससे आप लोगों को पता चलेगा ग्राउंड किस प्रकार है, कितना स्कोर बन सकते हैं, कितना विकेट जा सकते हैं। तो ज्यादा मैचेस तो नहीं हुआ है, सिर्फ एक मैच है और वो भी बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीता है 172 का एवरेज। तो स्कोरिंग पैटर्न में आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा 170 से लेकर 90 के बीच में, क्योंकि एक ही मैच था। तो इससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया कि जो टीम टॉस जीतेगा वो बैटिंग सेकंड करना पसंद करेगा, ठीक है। अब हम इस ग्राउंड का लास्ट मैचेस का डाटा एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि 175 से ज्यादा, 170 से ज्यादा, मतलब बराबर स्कोर आप लोग मान सकते हो, ठीक है। बहुत ही क्लोज है, ऐसा नहीं कि एक टीम वन विकेट जीत गया। और स्कोर की अगर हम देखें तो 170 प्लस बना था और विकेट देख लो 8 विकेट और 10 विकेट, टोटल 18 विकेट था। तो इससे आप लोग को पता चल गया कि यहाँ पर स्कोर भी बन रहे और विकेट भी जा रहे। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन रहेगा हमें 50-50 मतलब कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज्यादा बॉलर्स ले लिया, बहुत ज्यादा बैट्समैन ले लिया, एकदम बैलेंस कॉम्बिनेशन हमें बनाना चाहिए, तभी जाके हमारा टीम फायर करेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हेड टू हेड का रिजल्ट। हेड टू हेड में 8 मैचेस खेला गया, UAE की टीम ने 4 मैचेस, नेदरलैंड ने 4 मैचेस। तो इससे भी आप लोगों को पता चल गया कि दोनों टीम 50-50 है, बराबर है, एक दूसरे पे भारी पड़ सकते हैं। तो इसमें भी हमें 50-50 कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो सीधे की बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, हमारा जो कॉम्बिनेशन रहेगा हम 6 और 5, मतलब UAE की साइड से 6, नेदरलैंड का 5 प्लेयर ले सकते हैं, नेदरलैंड की 5 और UAE की साइड से हम 6 प्लेयर ले सकते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन मत बनाओ कि एक टीम का 7 और दूसरा टीम का 4, या एक टीम का 4 और दूसरा टीम का 7। ऐसे करोगे तो भाई आपका वन साइडेड हार होगा, नहीं तो वन साइडेड जीत होगा, ठीक है। तो ग्राउंड के बारे में क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों टीम्स का प्रोबेबली प्लेइंग 11 क्या हो सकते हैं, साथ ही साथ हर एक प्लेयर्स का रिसेंट मैचेस का परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ आप लोगों को मिल जाएगा हर एक प्लेयर्स का ऑल ओवर करियर स्टेट। और इससे आप लोगों को पता चलेगा किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है और कौन सा प्लेयर्स को हम कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप ना करें, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे UAE की प्रोबेबली प्लेइंग 11, ठीक है। इनके साइड से जो मेरे को लगा यही प्लेइंग 11 हो सकते हैं, बेंचेस में भी प्लेयर है वो भी मैं बताऊंगा, ताकि प्लेइंग 11 पे कोई भी खेले आप लोगों को 1% भी प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, ठीक है। तो रिजवान की अगर हम देखें ना, इनका परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा सही लग रहा है, जिस मैच में चला 50 से ज्यादा, जिस मैच में नहीं चला है भाई एकदम 20 से नीचे। तो इसको अगर आप लोग टीम में ले रहे हो तो आप लोग ये सोचना कि मिस एंड हिट, चलेगा तो बड़ा इनिंग्स, नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है।
बाकी बी और भी काफी अच्छा प्लेयर है, बट रिसेंट इसका कुछ भी डाटा नहीं है, एकदम बकवास खेल के आ रहे। सूरी की अगर हम बात करें, काफी हिटिंग बैट्समैन है, जबरदस्त है ये T10 और T20 में काफी बड़े बड़े लंबा छक्के लगा देते हैं, तो ये भी मिस एंड हिट प्लेयर है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसको लेना किसको ड्रॉप करना, अभी बस परफॉर्मेंस पे थोड़ा नजर डालते हैं। उसके बाद मोहम्मद की बात करें, एकदम थोड़ा एवरेज प्लेयर हम बोल सकते हैं, ये अगर थोड़ा ऊपर प्रमोट हो जाए तो बड़ा इनिंग्स खेल सकते हैं, ठीक है। बी हमद की अगर देखे तो ये काफी अच्छा ऑलराउंडर है, देखो रन साथ में विकेट, रन साथ में विकेट, ठीक है। तो इसको लोग सीबी और कैप्टन भी बना रहे, तो हम इसको कैप्टन बनाएंगे कि नहीं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इनके अलावा हमारा पास कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए वो भी मैं बताऊंगा, तो बने रहना। उसके बाद लगता है कि देखिये उतना खास नहीं, तो सीधा ड्रॉप मारते हैं इस प्लेयर को भी, हम यहीं पर सीधा ड्रॉप मार देते हैं। उसके के सॉरी हाँ के डाउट के अगर हम देखे तो ठीक ठाक है, हर एक मैच में एक एक विकेट निकाल रहे। उसके बाद कार्तिक की अगर हम बात करें, ये भी ठीक ठाक है दोस्तों, हर एक मैच में विकेट निकाल रहे। नेक्स्ट ए राजा का उतना खास नहीं है और जेड खान का भी उतना खास नहीं है। तो अब देखो हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे प्लेयर पे, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि इस मैच में किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। तो रिजवान की अगर हम देखें, अगर आप सोच रहे हो कि मैं भी अरविंद, रिजवान और सूरी तीन में से किसी एक प्लेयर को पिक करूंगा, या ये चार प्लेयर में से किसी दो प्लेयर को पिक करूंगा, तो ऐसे मेरा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा रिजवान, ठीक है। दूसरा जो मेरा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सूरी, तीसरा ऑप्शन रहेगा मेरा मोहम्मद, और चौथा ऑप्शन रहेगा बी और बी। अब आप लोग ऑल ओवर डाटा पे थोड़ा नजर डालो, ठीक है। देखो रिजवान का 24 का एवरेज है, बी और बी का 30 का एवरेज है, और सूरी का 30 का एवरेज है, और मोहम्मद का 40 का एवरेज है, ठीक है। और रिसेंट फॉर्म को देखते हुए नंबरिंग लगा दिया। अगर आपको दो बैट्समैन लेना है तो आप रिजवान और सूरी के साथ जाओ, अगर आपको किसी एक बैट्समैन लेना है तो आप सूरी या रिजवान में से किसी एक को पिक करके जा सकते। ये थोड़ा हमारा मतलब टीम बनाने के समय डाउट आ सकते है कि यार चार बैट्समैन हमारे पास, कौन सा दो बैट्समैन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट बी अहमद को तो हम छोड़ नहीं सकते, बेस्ट ऑलराउंडर है। अब बॉलर में हमारे पास कुछ कंफ्यूजन आएगा, जैसे कि कार्तिक को लेके, राजा और जेड खान, तीन में से अगर आपको किसी एक बॉलर को लेना है तो कार्तिक नंबर वन, अगर आपको दूसरा बॉलर भी लेना है तो जेड खान, अगर आपको तीन में से तीन लेना तो भाई आप भर भर के ले लो, ठीक है। क्योंकि जो कार्तिक का परफॉर्मेंस है, 11 मैच खेल के 17 विकेट, देख लो डेढ़ का एवरेज है, और जो ए राजा का परफॉर्मेंस है वो 54 मैच खेल के 37 विकेट, हर एक मैच में एक भी विकेट नहीं है, और इसका 34 मैच खेल के 41 विकेट। तो इससे आप लोगों को पता चल गया कि किस बॉलर को हम ले सकते हैं, किस बॉलर को हम ड्रॉप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरी टीम की, इनके साइड से इस टाइप का प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर मत देखो, कुछ भी हो सकते हैं। अभी हम सिर्फ प्लेयर्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा खिलाड़ी किस प्रकार है, ठीक है। तो स्क्वाड की अगर हम बात करें 26, 27, 26 और 6, बट इसका सबसे खासियत है कि ये जब जब खेलता है ना, नॉट आउट नॉट आउट नॉट आउट, मतलब ये अगर ज्यादा बॉल खेलेगा तो बड़ा इनिंग्स खेल सकते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक बन जाएगा, नोट करके रख लो। मैक्स ओडन, ठीक है, इसका परफॉर्मेंस देखो, सिर्फ एक ही मैच में 73 है। ये भी दोस्तों एक ऐसा प्लेयर है ना, अगर 15 बॉल खेला तो 50 मार देगा, मिस एंड हिट, और आउट भी अगर हो गया ना तो 10 बारह में आउट हो जाएगा। ये हिटिंग के चक्कर में जल्दी इसका विकेट दे देते, तो इसको अगर आप लोग टीम में ले रहे हो तो जीएल में जरूर कैप्टन ट्राई करना। नेक्स्ट प्लेयर आप लोगों को मिल जाएगा कोलिन एक्टरमैन, इनका जो परफॉर्मेंस है ना ठीक ठाक है, बट ये एक ऑलराउंडर माना जाता है, कभी कभार पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं, विकेट भी आप लोगों को निकाल कर दे सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को टी कोपर भी मिस एंड हिट प्लेयर है, ठीक है। ये सब T20, T10 सब खेलते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो ये भी देखो जब चला 80 से ज्यादा, जब नहीं चला देखो 10-15 में आउट हो गया, तो ये भी मिस एंड हिट प्लेयर है। मैं बताऊंगा कि ये प्लेयर को लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है ना। उसके बाद इस प्लेयर का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है, तेजा की अगर हम बात करें उतना खास नहीं है, सीधा ड्रॉप मारो। बी सिंह को भी सीधा ड्रॉप मारो यार, एस अहमद को हम देखे तो 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, मतलब ये ट्रम्प भी बन सकते हैं अगर आप लोग जीएल खेल लो तो ट्राई करना, क्योंकि हर एक मैच में एक एक विकेट है इनके नाम पे, बट फुल कोटा बॉलिंग करने का चांस मिलेगा कि नहीं वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है भांडर, इनका अगर हम बात करें तो 0 विकेट 0 विकेट, यहाँ पर 2 विकेट 2 विकेट, जब जब इनको विकेट मिलता है 2-2 नहीं तो 0-0। उसके बाद बी डी लीडी के अगर हम देखें, ये जबरदस्त प्लेयर है, देखो रन 7 विकेट, रन बट विकेट नहीं, बट 66 रन मार दिया था,
विकेट 2 91, 2 विकेट 9 2 विकेट। तो ऐसा प्लेयर को हम कैप्टन बनाएंगे सीधा, ये हमारे लिए कैप्टन ऑप्शन बनेगा, ठीक है। इसका बैटिंग ऑर्डर 5-6 में भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान में रखना। टीम के अगर हम देखें तो इनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है। अब हम एक दूसरे पे कंपेयर करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आसानी हो जाए। तो ऊपर का देखो जो चार बैट्समैन है, 1 2 3 4, ठीक है। ये चार में से अगर आपको किसी दो को लेना है तो मेरा फास्ट ऑप्शन रहेगा, सेफ ऑप्शन अगर देखें तो स्कॉट। ये विकेट कीपिंग सेशन में मिलेगा, अगर 20 रन मारा और दो कैच ले लिया तो भाई 40-50 पॉइंट देके जाएगा। अगर आप लोग रिस्क लेना पसंद करते हो तो मैक्स डॉन को आप लोग सीधा जीएल में कैप्टन बनाओ, ठीक है। अगर आप लोग रिस्क लेना पसंद करते हो तो एक टीम में आप लोग टॉम कूपर को भी कैप्टन बनाओ। बाकी कॉलिन की अगर हम देखें तो एवरेज प्लेयर है, बहुत धीमी से खेलता है, इसको आप लोग ले भी सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर की देखें तो ये तो फिक्स रहेगा हमारा लिए, इसको आप लोग वाइस कैप्टन बनाकर हर एक टीम में ट्राई कर सकते हो। जीएल का एक छोटा मोटा मैं आप लोग ट्रिक बता देता हूँ उनको, देखिए इस प्लेयर को हर एक टीम में वाइस कैप्टन बनाओ, और जितना भी मैंने ये जो मतलब हाई लेवल का प्लेयर है इसको आप लोग कैप्टन बना दो और इसको वाइस कैप्टन सेम रखो। कैप्टन ऊपर का चल गया, वाइस कैप्टन का 2 विकेट मिल गया तो वहीं पर आप जीएल आराम से ऑन कर सकते हो। बाकी दोस्तों प्लेयर्स का ऑल ओवर स्टेट अगर देखना है तो आप लोग एक एक करके देख लेना, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लेना, ये पेज आप लोगों का बहुत काम में आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बेंचेस का डाटा, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि यार कोई भी प्लेयर खेले हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं बेंचेस का भी डाटा लिख के रखा हूं। तो बेंचेस में यूए की साइड से 4 प्लेयर्स है, 15 मेंबर्स का टोटल स्क्वाड है। इनके साइड से अगर देखिए 2 प्लेयर ठीक ठाक है, नोट करके रख लेना, एक खान। और इनके साइड से दोस्तों 3-4 प्लेयर है बेंचेस में जो कि काफी अच्छा है, ये बेंचेस वाला भी खेल सकते हैं। देखो एक तो बी गोलवार रिकॉर्ड देख लो यार, 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 4 विकेट। फिर देख लो इस प्लेयर का भी रिकॉर्ड 2 3 1, इनका भी देख लो 1 2 2 1, इनका देख लो जबरदस्त 1 5 2 2, इनका देख लो 1 2 0 1 2। तो इनके साइड से जितना भी प्लेयर्स है ना हर एक मैचेस में जबरदस्त परफॉर्म करके आ रहे हैं नेदरलैंड के साइड से। तो बेंचेस का डाटा भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, लोगों को पता नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इस मैच में हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन कौन सा प्लेयर हो सकते हैं। तो थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से दिख सके, ओके ना। तो देखो बी डी लीडे इसको मैंने कैप्टन रखा क्योंकि उसका रीजन बताया, ऑलराउंडर है। आप लोग कॉलिंग को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, एडवर्स को भी आप लोग एस्कॉट को भी ट्राई कर सकते हो, बी गोल पर अगर खेलेगा किस टाइप का परफॉर्मेंस है, और एफ क्लासन को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत जबरदस्त प्लेयर है। तो 5 प्लेयर को आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना, सेफ अगर बोले स्मॉल लीग के लिए तो फास्ट ऑप्शन रहेगा, और गुलबर और क्लेसन में से किसी एक को ट्राई कर लेना, जबरदस्त ऑप्शन है। अब देखो ट्रॉम पिक कौन सा प्लेयर रहेगा आज का मैच के लिए जो हमारा गेम को बदल सकते हैं। एक तो एफ क्लेसन, इनका सिलेक्शन देखो सिर्फ 12% है, कोल इनका 5% सिलेक्शन है, और रिजवान और सूरी, रिजवान का 10% है और सूरी का 30% सिलेक्शन है। रिजवान सूरी में से किसी एक प्लेयर को ट्राई करना है, इसलिए मैं ऑब्लिक लगाकर आप लोगों को बताया। तो ये रही दोस्तों हमारा आज का मैच का इंफॉर्मेशन, और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा जो खुद का प्रेडिक्शन है वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। अपना अपना प्रेडिक्शन कॉमेंट करके जरूर बताना, तो मेरा प्रेडिक्शन भी देख लो कि मैं किस प्लेयर को किस लेवल पर रखा हूं, और मेरे हिसाब से आज के मैच में कौन सा खिलाड़ी क्या कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि टीम बनाने के समय आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, सही कि नहीं। तो चलो वो भी देख लेते हैं यार। तो 10 प्लेयर का मैं आप लोगों को प्रेडिक्शन करके दे रहा हूं, 10 प्लेयर है 1 से लेकर 10, हमें 11 खिलाड़ी चाहिए एक टीम बनाने के लिए, मैं यहीं पर 10 खिलाड़ी के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। तो बीडीडी फास्ट ऑप्शन रहेगा, जबरदस्त खिलाड़ी है, आज ये प्लेयर रन के साथ साथ विकेट भी निकाल देगा, ठीक है। बी अहमद की अगर बी हामिद की अगर हम देखें 1 विकेट आराम से निकल कर देगा। एल भान बी की अगर हम देखें 1 विकेट आराम से निकल कर देगा। डब्ल्यू मोहम्मद की अगर हम देखें आज किस मैच में फेल हो सकते हैं, इसका सिलेक्शन काफी हाई है, 90-80 ऐसा कुछ है, ठीक है। टी कूपर का भी सिलेक्शन 90 ऐसा कुछ है, बट मैं बोल रहा हूँ आज के मैच में ये फेल हो सकते हैं, ठीक है ना। एम डाउन की अगर हम देखें ये आज का मैच में थोड़ा अच्छा खेलेगा, खेलेगा मतलब भाई ऐसा नहीं कि भाई 100 जोड़ेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, खेलेगा मतलब अच्छा खेलेगा, मतलब 30 से ज्यादा स्कोर बना देगा, मतलब एज ए प्लेयर हमारी टीम में होना जरूरी है। बी अरविंद भी आज अच्छा खेल सकते हैं, एज ए प्लेयर हमारी टीम में होना जरूरी है। बी गोलवर इसको 1 विकेट तो कंफर्म है, और स्कॉट की अगर हम बात करें ये भी आज थोड़ा बहुत करके देगा, और क्लेसन की अगर हम देखें 1 से 3 विकेट निकल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन, एक बार देख लो मैच खत्म होने के बाद एक बार चेकआउट कर लेना कि मेरा प्रेडिक्शन कितना
सही है कितना गलत है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 10 प्लेयर का प्रेडिक्शन करके दिया मतलब 10 का 10 ही सही निकल कर आएगा, तो कुछ भी हो चाहे, जो मुझे लगा प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों का मन में क्या है, आपका प्रेडिक्शन क्या है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स यार खाली है जाके बताओ। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट यार जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं और एक ऐसा ही नया वीडियो पे।